माई सेल्फ मोहम्मद सुहेल कुरैशी एज अ बेंच एंड वॉलीबॉल ट्रेनर अंडर किंडर स्पोर्ट्स LLP एट मैसार डिस्ट्रिक्ट. टूडे माई टॉपिक इज स्ट्रेट स्मैशिंग इन वॉलीबॉल. स्ट्रेट स्मैशिंग किस तरह से की जाती है आज मैं उसका डेमो आपको करके बताऊंगा. उसके बेनिफिट के बारे में जानेंगे. उसका स्टांस किस तरह से होना चाहिए, उसकी बॉडी पोजीशन किस तरह से होनी चाहिए, आज उसका अपने अभ्यास करेंगे. चलिए शुरू करते हैं स्ट्रेट स्मैशिंग. स्ट्रेट स्मैश के इम्पोर्टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. स्ट्रेट स्मैश ज़्यादा से ज़्यादा पावर से हिट की जा सकती है और उससे ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट अर्जित किए जा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये पसंदीदा स्किल मानी जाती है और इससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा मनोरंजित होते हैं. चलिए स्ट्रेट स्मैशिंग के बारे में अपने सबसे पहले स्टांस उसका किस तरह से होना चाहिए, उसकी बॉडी पोजीशन किस तरह से होनी चाहिए उसको देखते हैं. इस तरह से नॉर्मल पोजीशन रहेगी, इस तरह से नॉर्मल पोजीशन में खड़े रहना है. ये फर्स्ट स्टेप अप्रोच. फिर ये सेकंड स्टेप होप. ये तीसरा स्टेप हाफ रहेगा. फिर एयर इन बॉडी पोजीशन. ये इस तरह से ज़्यादा आर्च करनी है बॉडी को, ज़्यादा से ज़्यादा हवा में आर्च करनी है. फिर आगे लैंड, फिर अपने नॉर्मल फॉलो थ्रू में जाना है. चलिए मैं आपको स्टेप मूवमेंट करके बताता हूँ किस तरह से होनी चाहिए. ये नॉर्मल पोजीशन है. ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप आप चलिए अपने दूसरी साइड से स्टेप देखते हैं. चलिए देखते हैं स्ट्रेट स्मैशिंग में बॉल कांटेक्ट किस तरह से होना चाहिए, बॉल कांटेक्ट कहाँ से अपने को करना है उसके बारे में जानकारी लेते हैं. ये मिडल बैक है, ये अपर बैक है, ये लोअर बैक साइड, ये राइट बैक साइड, ये लेफ्ट बैक साइड. अपन को अपर बैक साइड कांटेक्ट करना है बॉल को और ज़्यादा से ज़्यादा पावर जनरेट करना है यहाँ से. स्ट्रेट स्मैशिंग करने से पहले अपने थोड़ा स्पेसिफिक वार्म अप कर लेते हैं. चलिए अब देखते हैं स्पेसिफिक वार्म अप विद पार्टनर के साथ बॉल कांटेक्ट किस तरह से अपन को करना है वो देखेंगे.
अभी हमने स्ट्रेट स्मैशिंग के बारे में उसका डेमो देखा, किस तरह से स्ट्रेट स्मैशिंग की जाती है, उसका स्टांस किस तरह से होना चाहिए, उसकी बॉडी पोजीशन किस तरह से होनी चाहिए, उसका लैंड किस तरह से करना चाहिए, उसके बारे में जाना। अगले वीक नया वीडियो लेके आएंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।